दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू वीडियो में आज हमारे साथ है एक 3D आर्टिस्ट जो इस फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और काफी गेमिंग के प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरव कुमार से, जो काफी अच्छे 3D आर्टिस्ट है और उन्होंने जो है अपने काफी लाइव प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है और जो है गेमिंग फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनका वर्क भी हम देखेंगे और उनसे काफी कुछ डिस्कशन भी करेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने करी हुई है। तो चलिए इस इंटरव्यू वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भट्ट, आप सभी का स्वागत है एनी एफएक्स यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर हमारे साथ है सौरव जी, और सौरव जी आपका एनी एफएक्स में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू गौरव भाई मेरे को बुलाने के लिए। मैं लाइक आपको चैनल में काफी टाइम से देख रहा हूँ, लाइक मेरे को आपका कंटेंट काफी अच्छा लगता है एंड मेरे को काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। जी 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 बिल्कुल, आज जो है हम हमारे सब्सक्राइबर के साथ जो आपका जर्नी रहा है वो शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने आपका आर्टेशन का अकाउंट जो है ओपन रखा है, थोड़ा वो हम शेयर करते हैं, आपने क्या काम करा है और फिर आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी हम लोगों से शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो इनका जो सौरव कुमार का ये पूरा आर्टेशन का प्रोफाइल है, यहाँ पर आप इनका वर्क देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर बनाया हुआ है और डिटेलिंग के साथ काम करते हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर हम ये इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि जो इनकी डिटेलिंग है वो बहुत बेहतरीन है और इतनी डिटेलिंग वाला काम जो है रिक्वायर होता है इंडस्ट्री में। जो लोग अच्छे से इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वर्क लेवल तक अगर आप पहुँचते हो तो ये इंडस्ट्री में अच्छी खासी आप जॉब कर सकते हो, फ्रीलांस भी कर सकते हो, अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है ये कुछ डेमो वर्क इनका दिखा रहा हूँ और अभी आगे उनसे हम बात करेंगे और भी डिटेल में। तो जी हाँ सौरव जी, थोड़ा अभी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एंड देन फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो गौरव भाई मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी 2016 में। एक्चुअली मैं एनिमेशन में मतलब पहले से इंटरेस्टेड था, मैं एनिमे काफी देखता हूँ, मैंने बहुत सारे एनिमे देख रखे, मैं 2007 से एनिमे देख रहा हूँ, तो मैं काफी इंटरेस्टेड तो था ही उस सब चीजों में। बट मेरा जो प्रोफेशनल स्टार्ट हुआ मतलब जहां से मैंने शुरू किया वो 2016 से है। मैंने ग्रेजुएशन की है BSc एनिमेशन से, एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा मैंने, और ये मेरी 2019 में ग्रेजुएशन खत्म हुई। एंड देन फिर उसके बाद जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ फिर मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया एंड फिर मेरा इंडस्ट्री का जर्नी शुरू हो गया वहां से। जी जी, मेन जो है यहाँ पर आपका जो इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे हम स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जब आपने कोर्स अपना खत्म किया तो सबसे पहले जब आपने सोरील वगैरह बनाई, ठीक है, और फिर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में गए, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपने सोरील बनाने का और फिर इंडस्ट्री में इंटरव्यू जब देने गए तब? ओके, तो गौरव भाई इनिशियली ऐसा था कि मैंने अपने लाइक कोर्स से पहले भी, कोर्स के साथ ही मैंने अपने इंटर्नशिप्स भी की थी, बिकॉज मेरे को ये एक फैक्ट तो पता है और ये एक फैक्ट लाइक ऑलमोस्ट सबको पता है हमारे इंडस्ट्री में कि एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। तो आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करने जाओगे तो वो लोग आपसे एक्सपीरियंस जरूर मांगेंगे। तो अगर स्टूडेंट के पास सीधा कोर्स खत्म करने के बाद तो एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, तो देर आर वेरी हार्ड चांसेस कि उनको राइट आफ्टर कोर्स जॉब मिल जाए। तो इसीलिए मैं भी सजेस्ट करूंगा, और मैंने जैसे किया कि मैंने कॉलेज के साथ ही जो समर ब्रेक्स मिलते हैं उसमें दो दो महीने का इंटर्नशिप्स किया। सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा पोर्टफोलियो बनाया जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ 3D और जहां जिन जिन कंपनीज में मेरे को अप्लाई करना था एटलीस्ट उनके लिए लाइक मैंने स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बनाया था। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट की कंपनी है तो आपको पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, मान लो कोई गेमिंग की कंपनी होनी चाहिए तो आपके आपके पोर्टफोलियो में लाइक एसेट्स और कैरेक्टर होने चाहिए, सेम VFX का हो तो VFX का कुछ काम होना चाहिए। तो वैसे ही आप कंपनीज को पहले टारगेट कीजिए कि आपको किस टाइप की कंपनी में जाना है एंड उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाइए। लाइक आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आपका अगर मान लो ग्राफिक डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो और वो 3D कंपनी में चल जाएगा, बिकॉज वहां पे वो लोग का रिक्वायरमेंट ही अलग है ना। तो इसीलिए आपको कंपनीज के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और फिर आप इंटर्नशिप्स का अप्लाई कीजिए। इंटर्नशिप्स में आपको कहीं पेड इंटर्नशिप्स मिलेंगी, कहीं अनपेड मिलेंगी, और कई दफा तो ऐसा होता है कुछ इंटर्नशिप्स में आपको ही पे करना पड़ता है। तो ये कम्प्लीटली आप पे है कि आपको कैसा इंटर्नशिप्स लेना है। तो फिर आप इंटर्नशिप लीजिए,
कुछ एक्सपीरियंस गेन कीजिए, एंड फिर जब आप इंटर्नशिप पीरियड में होते हैं तो आपका माइंड भी क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं, तो फिर आप आगे जाके उसके लिए अलग से पोर्टफोलियो बना के फिर वापस से सेम प्रोसेस कर सकते हो कंपनीज को टारगेट करने के लिए। तो जब मेरा इंटर्नशिप का पीरियड खत्म हुआ, मतलब जब मैं 2-2 महीने की इंटर्नशिप्स कर चुका था, मैंने कैरेक्टर आर्टिस्ट की भी इंटर्नशिप की और मैंने टेक्सचरिंग आर्टिस्ट की भी इंटर्नशिप की, बिकॉज मेरा मेन इंटेंशन था कि मुझे गेमिंग में जाना है। एंड गेमिंग या फिर आप VFX कहीं भी जाओ तो वहां पे वो ऐसा सोचते हैं कि आपको ओवरऑल एक कंप्लीट पाइपलाइन आना चाहिए। अगर आप मॉडलर हो तो आपको टेक्सचरिंग भी आना चाहिए, और अगर आप मान लो रिगिंग आर्टिस्ट हो तो आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन भी आना चाहिए, या एनिमेशन हो तो थोड़ा बहुत आपको रिगिंग भी आना चाहिए। तो ये एक जनरल पैरामीटर है कि अगर आप मॉडलर हो तो आपको टेक्सचरिंग भी आनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने सेकंड इंटर्नशिप टेक्सचरिंग की। एंड जब मेरा इंटर्नशिप का पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने मेरे जॉब हंटिंग शुरू किया। तो लकीली मेरे साथ क्या हो गया कि जिस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की थी, मैंने अपनी फर्स्ट जॉब भी वहीं पे की थी 6 महीने। तो यहाँ पे एक थोड़ा और एक इंटर्नशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई किया, और कुछ आपने उसके लिए पे किया था या फ्री इंटर्नशिप थी या वो लोग कुछ पे कर रहे थे, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो मेरा जो ये वाला इंटर्नशिप था जो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट और मॉडलिंग आर्टिस्ट वाला था, तो वहां पे उन लोगों ने मेरे को पे किया था, उन लोगों ने मेरे को 5K पे किया था। एंड ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। कुछ कंपनीज में आपको पैसे मिलेंगे ज्यादा, कुछ कंपनीज में कम मिलेंगे, कुछ कंपनीज में मिलेंगे ही नहीं। तो ये टोटली आप पे है कि आपको किस कंपनी में अच्छा काम मिल रहा है और आप किस कंपनी से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो उस टाइम पे मेरे को ये कंपनी से बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, बिकॉज मेरे एक तो एरिया के पास था एंड प्लस 2 महीना ही मुझे इन्वेस्ट करना था इंटर्नशिप में। और दूसरी बात रहेगी कि मैंने इंटर्नशिप के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाया था, ये आप पूछ रहे थे ना जी। तो जो मेरी कंपनी थी, मेरे को ये एक चीज पता थी कि उनको कैरेक्टर्स की जरूरत है, तो मैंने मेरे पोर्टफोलियो में कैरेक्टर्स ही रखने शुरू करे। फिर मुझे उनका मैंने टेक्सचरिंग का प्रोसेस देखा कि वो किस हद तक टेक्सचरिंग करता है, तो मैं जितना समझ पाया लाइक वो लोग उस टाइम पे वहां पे वो लोग टेक्सचरिंग XYZ यूज करते हैं। ये अभी हमारे इंडस्ट्री में काफी यूज हो रहा है टेक्सचरिंग XYZ। आप किसी भी बड़ी VFX कंपनी में चले जाओ या गेमिंग कंपनी में चले जाओ, वहां पे ये बहुत यूज कर रहे हैं। जैसे DNEG में चले जाओ आप, DNEG में आपको ये बहुत मिल जाएगा, MPC में बहुत मिल जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने भी खुद टेक्सचरिंग XYZ के वीडियोज देखे यूट्यूब से, कुछ लोगों से बात करी और उनके वर्क फ्लो को समझ के फिर मैंने खुद से टेक्सचरिंग XYZ का प्रोसेस सीखा। एंड फिर वहां से मेरी एज अ टेक्सचरिंग आर्टिस्ट भी जर्नी शुरू हो गई। तो फिर जब मैं इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके जब स्टूडियो गया, तो वहां बेसिक सा टेस्ट होता है सबसे पहले आप किसी भी स्टूडियो में जाते हो, तो आपको वो टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद फिर आपको जॉब मिलते हैं। तो वहां पे उन्होंने मेरे को टेस्ट दिया था, मैंने टेस्ट क्लियर किया, एंड देन फिर वहां से मेरी एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट की भी जर्नी शुरू हो गई साथ में। जी बिल्कुल। तो बेसिकली आप एज अ 3D आर्टिस्ट स्टार्ट करे थे, एंड देन रिक्वायरमेंट थी टेक्सचरिंग आर्टिस्ट थी, तो वो भी आपने स्किल डेवलप कर ली, और मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ के हमें अपना टेक्निकल स्किल भी बढ़ाना होता है। जैसे आपने बताया कि आपने एक नया सॉफ्टवेयर सीखा इसके लिए, तो इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपका एक जो 2-3 साल का कोर्स खत्म हो गया उसके बाद आपको नया चीजें नहीं सीखना है, बट आपको जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद से कुछ ना कुछ सीखते रहना होता है। तो आपने जो है अपनी इंटर्नशिप के बारे में बता दिया, और देन फिर जो है आप अच्छे स्टूडियो में कभी आप मतलब स्टार्ट करें, कोई फर्स्ट जो जॉब जॉब इंटरव्यू था, क्या एक्सपीरियंस रहा था उसका? मेरे इंटर्नशिप के बाद मैंने जिस स्टूडियो में काम किया था वो एक कंप्लीट डिफरेंट फील्ड का स्टूडियो था, वो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं था बट लाइक समवट क्लोज था। मैंने इंटर्नशिप के बाद मैंने 3D प्रिंटिंग में काम किया था, तो उस कंपनी में मेनली हमारे ज्वेलरी डिजाइनिंग जो होते थे, ज्वेलरी डिजाइन करते थे हम लोग वहाँ पे। एंड वहाँ पे मतलब अगर किसी को अपने स्कल्पचर्स चाहिए तो हम लोग स्कल्पचर्स डिजाइन करते थे ZBrush में। तो उस कंपनी के लिए भी मैंने सेम टारगेट किया कि अगर मेरे को डिजिटल स्कल्पटिंग में जाना है तो मेरे पास होना चाहिए कि मेरे पास स्कल्पटिंग का काम होना चाहिए। तो फिर मैंने अपना स्कल्पटिंग का प्रोफाइल डेवलप किया है जिधर मैंने काफी ज्यादा स्कल्प्ट रखे थे, एंड फिर मैंने वो कंपनी को भेजा। एंड मैंने ये ओपनिंग्स में जब देखता हूँ, मैं ये लिंक्डइन के थ्रू देखता हूँ मोस्टली, बिकॉज लिंक्डइन बहुत अच्छा पोर्टल है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज एक्टिव रहती है।
तो मैंने लिंक्डइन पे देखा उनके यहाँ पे ओपनिंग थी, एंड वो मेरे वो भी मुंबई में ही था वो, तो मैंने वहां पे अप्लाई किया एंड देन उनने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। उनने मुझसे जेनरिक क्वेश्चंस पूछे कि 3D प्रिंटिंग का कितना नॉलेज है, 3D का कितना नॉलेज है, जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं ZBrush उसके बारे में कितना नॉलेज है आपको। तो वहां पे जितना भी मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, आई गेस 2 या 3 घंटे का इंटरव्यू प्रोसेस था उनको, फिर उसके बाद उनने मेरे को एक टेस्ट दिया, तो फिर वो टेस्ट मैंने दिया एंड देन उसके बाद फिर मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने वहां पे कुछ 6 महीने के लिए काम किया, फिर तब कोविड आ गया था, फिर मैं वापस घर गया एंड फिर मैंने घर से वापस अप्लाई किया बैंगलोर टेक्निकलर में। टेक्निकलर बहुत बड़ा स्टूडियो है इंडिया में, मतलब इंटरनेशनली भी काफी बड़ा स्टूडियो है। तो मैंने फिर टेक्निकलर गया, मैंने कुछ महीना टेक्निकलर में काम किया। टेक्निकलर भी एक टोटल अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मैं 3D प्रिंटिंग में था, उसके बाद फिर मैं जंप करके मैं गेमिंग में गया। तो वहां पे हम लोग को एसेट्स बनाने होते थे, वेपन्स बनाने होते थे गेम्स के लिए, तो वहां पे मैंने एसेट क्रिएशन और वेपन क्रिएशन, कैरेक्टर कैसे बनाना, ये सब वहां पे और थोड़ा रिफाइन तरीके से सीखा। एंड अभी मैं करेंटली जॉब कर रहा हूँ लक्ष्य डिजिटल में, एंड अभी तक का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इस इंडस्ट्री का। जी जी, अभी फर्स्ट जब आपकी ये जॉब ज्वाइन करी आपने, मतलब तो तभी सैलरी क्या आपको मिलती थी और देन अभी क्या मिल रही है? और मेन जो चीज मुझे यहाँ पर लोगों से क्या था शेयर करनी है कि फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पर सौरव जी ने करा कि जो भी उनको फर्स्ट जॉब मिली, इंटर्नशिप में मिला, जो भी काम 3D प्रिंटिंग के लिए भी अगर उनको अपना स्किल डेवलप करना है तो वो भी उन्होंने जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने ग्रैब करी और देन स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ते गए। मतलब काफी स्टूडेंट को मैंने देखा है कि भाई हम तो बड़े स्टूडियो में ही काम करेंगे देन फिर कहीं पर भी और जगह पे ट्राई नहीं करते छोटे कंपनीज वगैरह में, और फिर जो है वो लोग जो है टाइम ऐसे ही चला जाता है उनका एंड देन फिर जो है वो जो भी सीखे होते हैं वो फिर वो खुद ही जो है वो प्रैक्टिस नहीं रहती इस वजह से भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको ग्रैब करो, देन उसके बाद जो भी आपका विजन है जहाँ बड़े स्टूडियो में अगर जाना है तो वो स्टेप बाय स्टेप ही होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर सौरव जी की आप जर्नी देखो तो उनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली वो उन्होंने ग्रैब करी एंड देन टेक्निकलर्स और अभी जो है लक्ष्य डिजिटल स्टूडियो में काम कर रहे और यहाँ पर इनका हम एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इनकी जर्नी देखी। तो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि साथ में कुछ आप फ्रीलांस वगैरह करते थे और एक थोड़ा जॉब सैलरी के बारे में भी बता लो कि अभी 1 साल करीबन आप का होने वाला है जैसे आपने बताया, तो क्या अभी आप सैलरी मिल रही है आपको? ओके, तो गौरव भाई अभी फ्रीलांस का तो ऐसा है कि मैं इतना इन्वेस्टेड हो जाता हूँ अपने काम से कि मतलब मेरे को थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता, तो फ्रीलांस तो मैंने अभी बंद करके रखा है। इंस्टेड ऑफ फ्रीलांस मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं खुद के स्किल पर डेवलप करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पे भी डेवलपमेंट करिए। फ्रीलांस हाँ डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप खुद के स्किल पर डेवलप कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप ये जब कंपनी छोड़ोगे, जो आप जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हो, आपकी नेक्स्ट कंपनी में आपका स्किल्स भी ज्यादा होंगी, एक्सपीरियंस भी होगा, तो आप वहां पे उस हिसाब से आप वहां पे सैलरी की भी डिमांड्स कर सकते हैं। ये एक सैलरी के लिए पॉइंट है। तो अभी जो आप सैलरी की बात कर रहे हो तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो थी अनपेड, मतलब बिना पैसे के। उसके बाद मैंने 5,000 में इंटर्नशिप की, उसके बाद मैंने 16,000 में इंटर्नशिप की, उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब था वो था 23,000 का, उसके बाद मेरा सेकंड जॉब था वो मेरा था 26,000 का, और उसके बाद जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ वहां पे मेरे को 30,000 मिल रहा है। ओके जी, बढ़िया है। तो यहाँ पर जो है करीबन 1 साल के एक्सपीरियंस में जो है इनका जो है अभी सैलरी बढ़ रहा है और काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। मेन चीज ये है कि आपको जो है सैलरी को नहीं देखना है, अपने काम को इम्प्रूव करते जाना है, तो एक ना एक दिन जो है आपको जो भी सैलरी चाहिए होगी आप वो ले जो है आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप अपनी जो जॉब कर रहे हो इसके साथ जो है आपने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, मैंने रिसेंटली देखे सारे आपके वीडियो, काफी अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये टीचिंग करने का एक्सपीरियंस, मतलब ये इंटरेस्ट कैसे आया और आपको क्यों लगा कि खुद का आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अच्छा। और इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर देखिए, काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने हम रिसेंटली ये एक रीटोपोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाया है, वो काफी बेहतरीन है, वो जरूर देखिएगा और इसके बारे में भी आगे बात करते हैं।
तो जी सौरभ जी, थोड़ा आपकी YouTube चैनल के बारे में बताएं, क्यों आपने YouTube के ऊपर वीडियोस डालना शुरू किया? तो गौरव भाई ऐसा सीन था कि मैं कॉलेज से ही, मैं सेकेंड ईयर से ही अपने क्लास के बच्चों के साथ हम लोग बैठ के एक साथ साथ में पढ़ाई करते थे हम लोग। तो वहां से जी मुझे एक इंटरेस्ट ऐसा डेवलप हो गया कि हाँ ठीक है, मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ लोगों को। एंड देन फिर जब मैं यूट्यूब पे, जब मेरे को कुछ डाउट होता था मैं यूट्यूब पे देखता था, तो सब ट्यूटोरियल्स तो अवेलेबल रहते थे, बट देन मेजोरिटी जो मार्केट है वो सारे ट्यूटोरियल इंग्लिश में बनाता है। तो जो डिफिकल्टी आ जाती है उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, अब अगर टॉपिक क्लियर करना है तो कहाँ से करें टॉपिक क्लियर। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ जहाँ पे मैं हिंदी में लोगों को एजुकेट करूंगा हमारी इंडस्ट्री के बारे में, अपने जो टॉपिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, उनको हिंदी में बताऊंगा ताकि उनको आसानी से समझ में भी आ जाए। एंड इसलिए फिर मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो अभी तो ये चैनल काफी छोटा है, लेकिन मेरा मेन एम यही है कि जो भी स्टूडेंट है वो जैसे ही अपना डिग्री या कॉलेज, जिससे भी, जहां से भी पढ़ रहे हैं, वो अगर पढ़ के निकले तो राइट अवे उनको इतना नॉलेज हो कि उनको इंडस्ट्री में कोई अच्छी जॉब मिल जाए। बिकॉज इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट्स यही स्ट्रगल करते हैं कि इंडस्ट्री के हिसाब से जॉब नहीं मिलती उनको, क्योंकि अब इंटरव्यू में चले जाते हैं, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दिया और आपको आपके कॉलेज में सिखाया ही नहीं, तो वहां वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो अच्छे से एजुकेट भी हो जाए, कि इंटरव्यू भी क्लियर कर पाए और प्लस उसका स्किल सेट भी बढ़ जाए। तो इसलिए फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मेन रीजन यही था कि जब हम कॉलेज में होते, इंस्टीट्यूट में होते, चीजें सीख रहे होते, तो वहां पे जो है बेस लेवल से वो लोग सिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं जो है आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो काफी सारे नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो है नॉलेज आप ऑनलाइन ही जो है ज्यादा सीख पाते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट में क्या है कि फॉर्मली सारे स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। अभी आपको क्या चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या आपको आता है, कितना आपका लेवल है, ठीक है, तो आपको खुद की हिसाब से खुद का ट्रेनिंग जो है सेल्फ लर्निंग करना जरूरी है, और इसीलिए जो है यूट्यूब चैनल बेहतर रहते हैं। और साथ में जो है स्ट्रक्चर वे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो, और हमारा जो है NUFX.in के ऊपर भी काफी सारे कोर्सेज हमने डाले हुए, आप जाके देख सकते हो। देन यहाँ पर जो है अभी इनका जो यूट्यूब चैनल है उसमें री टोपोलॉजी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है, थोड़ा उसके बारे में सरोज जी बताइए, क्यों रिक्वायर होता है री टोपोलॉजी, और इसका प्रोसेस क्या होता है, और आप इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हो? तो गौरव भाई जैसा है, री टोपोलॉजी क्या है, क्यों यूज होता है और मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। तो जी इनिशियली क्या होता है कि जब हम जीब्र अब री टोपोलॉजी अगर आप जीब्रश से मॉडल लेकर जा रहे हो तो उनके लिए ज्यादा आपको नेसेसिटी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब आप जीब्रश में मॉडल बनाते हो तो जीब्रश का जो मॉडल रहता है वो बहुत हाई रहता है, जिससे आपका गेमिंग का बजट कम रहता है। मतलब गेम में जो चीजें यूज होती है वो लिमिटेड चीजें यूज हो सकती है, अगर आपको कुछ पॉलीकाउंट दिया है तो वो लिमिटेड रहता है। बट अगर ZBrush में आप उसको बनाने जाओ, उतना डिटेल बनाने जाओ, तो फिर उससे ये होता है कि आपको बजट जो रहता है वो बहुत ज्यादा खिंच जाता है आपका। वो मान लो आपका 500 ट्राइज का बजट है, तो वहां पे ZBrush का मॉडल आपका पहुंच जाता है कुछ 2 मिलियन तक, तो वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं होता, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते गेम में। अगर आप उसको गेम में यूज करोगे तो गेम क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जी इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उस मॉडल को किसी रीटोपोलॉजी के सॉफ्टवेयर में डालते हैं। अब जैसे कि टोपोगन करके एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, दो मैंने यूज नहीं किया बट टोपोगन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं जो प्रेफरेंस यूज जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मैं माया यूज करता हूँ। माया में एक प्लगइन है क्वाड्रो करके, तो क्वाड्रो से मुझे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो हम अपने सरफेस को लाइव करते हैं, जो ZBrush का मैश आता है उसको लाइव करेंगे और उसी के ऊपर ड्रॉइंग शुरू कर देंगे, उसी के ऊपर हम नया टोपोलॉजी शुरू कर देंगे, जैसे हमें मर्जी है वैसे। एंड उससे फायदा ये है कि पहले तो आपके कंट्रोल में है कि आपको कितना मॉडल हाई चाहिए, कितना लो चाहिए, कहाँ हाई चाहिए, कहाँ लो चाहिए, तो आप उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आप टोपोलॉजी बना सकते हैं और आप उस मॉडल को रिड्यूस कर सकते हैं, उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं ताकि वो गेम के अंदर ऑप्टिमाइज होता है। तो ये काफी ज्यादा जैसे गेम्स के बैकग्राउंड वगैरह में यूज होता है, क्योंकि उतना बड़ा टेरेन वगैरह है, अगर आपको पूरा सीनरी बनाना है तो आपका गेम हैंग होने लग जाएगा अगर आपके पास मेश बहुत ज्यादा होंगे। तो जी इसलिए हम बिल्कुल लोग री टोपोलॉजी यूज करते हैं। जी, तो बेसिकली री टोपोलॉजी में क्या, ZBrush में ब्रश से कुछ भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेश जो है उसका बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों माया और मैक्स में जब भी हमें गेमिंग के मॉडल रेडी करने होते हैं तो ZBrush से जब भी हम उस चीजों को लाते हैं
तो एकदम हाई पॉली मॉडल होता है, तो फिर उसको जो है हम लो पॉली में करने के लिए यहाँ पर पूरा रीटोपोलॉजी का जो प्रोसेस है उसको करते हैं, और फिर उसका जो है नॉर्मल वेव बम्प में जो भी यूज करके उसको आगे गेमिंग के लिए फिर उसको मॉडल को रेडी करते हैं। तो प्रोसेस रीटोपोलॉजी का बहुत अच्छे से सौरभ जी ने समझाया, और उनकी यूट्यूब चैनल पे आप जाके और प्रैक्टिकली कैसे होता है वो उन्होंने बताया, वो आप देख सकते हो। तो इसके अलावा जो सौरभ जी आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर में अच्छा काम करते हो, एक्सपर्ट हो, और आपको जो है बेहतर मतलब सारे सॉफ्टवेयर में से किस में आपको ज्यादा काम करना अच्छा लगता है? तो जो मेरा प्रेफरेंस का सॉफ्टवेयर है वो तो ZBrush है। लाइक मैं कॉलेज से डिसाइड कर लिया था कि ये एक सॉफ्टवेयर है। ZBrush एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको आर्टिस्टिक फ्रीडम बहुत देता है, तो इसीलिए फिर मेरे को ZBrush पसंद है कि मैं कल को मेरे को जो भी मन है मैं उठ के बना सकता हूँ अपना ZBrush में। तो इसलिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमेशा वो है ZBrush। उसके बाद जो मुझे सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है वो है माया। उसके बाद फिर सारे टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, मारी, सब्सटेंस पेंटर। तो मेरे को ऐसा ये कुछ सेट्स है जो मुझे पसंद है, और मैं इन्हीं को मतलब मैं अपना वर्क फ्लो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। जितना हो सके लिमिटेड सॉफ्टवेयर से ही जितना अच्छा रिजल्ट निकल पाए मैं उतना रखता हूँ। बिकॉज ऐसा हो जाता है कि अगर आप ज्यादा सॉफ्टवेयर डाल देते हो तो फिर एक सॉफ्टवेयर अच्छे से सीखने का जो टाइम रहता है वो कम हो जाता है। तो इससे बेटर आप कुछ सेट रखिए अपने पास सॉफ्टवेयर का, एंड आप उसी में प्रोफेशनल बनिए। जी बिल्कुल, एकदम सही बात बोली सौरभ जी ने। और यहाँ पर देखो कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, किस में जॉब अच्छी मिलती है। देखो यहाँ पर सौरभ जी ने जैसे बताया कि उनको जो पसंदीदा सॉफ्टवेयर वो ZBrush है, और उसमें जो है वो फ्रीडम महसूस करते हैं, वो जो भी चाहे वो इजीली बना सकते हैं और क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो भी कुछ क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सॉफ्टवेयर कौन सा बेहतर है, जिस में आपको काम करना अच्छा लगता है। और देन जो है देखो अपॉर्चुनिटी तो हर एक जगह पे होती है, आपका स्किल लेवल जितना अच्छा रहेगा उतनी अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी रहेगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के झंझट में ना पड़ो, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, और मार्केट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं वो भी देखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है। बट जो भी चल रहे सॉफ्टवेयर उसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैक्स अच्छे से सीखे या माया अच्छे से सीखे या ZBrush अच्छे से सीखे, किस में एक्सपर्ट हो किस में। ये अपॉर्चुनिटी वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक है कि किस में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। देखो अपॉर्चुनिटी सब में अच्छी है, आप क्रिएटिव मतलब आपका फाइनल आउटपुट ही देखा जाता है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है वो मैटर नहीं करता है, बट आपको फाइनल आउटपुट किस तरह से अच्छे से बना सकते हो और कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए कंफर्टेबल है वो आपको खुद को तय करना होता है। और इसलिए जो इंस्टीट्यूट में काफी सारे सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, देन फिर आपको इंडस्ट्री में चूज करना है कि आप किस में बेहतर हो, और प्रैक्टिस आपको उसी सॉफ्टवेयर में करनी है जिसमें आपको ज्यादा बेहतरीन लग रहा हो, और फिर आप वहां पे अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना लीजिए। सौरभ जी आपने काफी अच्छी तरह से सारी चीजें शेयर करी हमारे साथ, और इसके अलावा आप हमारे सब्सक्राइबर को कुछ और शेयर करना चाहते हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और उनको कोई गाइडेंस देना चाहते हो, क्योंकि काफी सारे लोग क्या होता है इस फील्ड में जो है कोर्स करने के बाद जो है काफी टाइम तक जो है जॉब ज्वाइन नहीं करते, कंफ्यूज रहते हैं, सोरिल के लिए सोरिल भी उतनी अच्छी नहीं बना पाते, और कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो थोड़ा नर्वस रहते हैं, रिज्यूम कैसे बनाए, क्या पूछिए, प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे दे। तो इन सारी चीजों की उनको जो है काफी और सबसे ज्यादा उनको टेंशन ये रहती है कि कहाँ पर अप्लाई करे, कैसे अप्लाई करे। जैसे आपने लिंक्डइन का बताया कि लिंक्डइन से जो है आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो लोगों से, और वहाँ पे आपको मिल ही जाते जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से आप कांटेक्ट कर लेते हो। तो इन सारी चीजों के बारे में और कुछ अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो बता सकते हो। तो गौरव भाई सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च करना कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं, चाहे वो VFX हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, या चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग, UI UX या कुछ भी इंडस्ट्री हो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको रिसर्च करना है कि रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे है और क्या रिक्वायरमेंट्स है एग्जैक्टली। आप अगर किसी भी गेमिंग कंपनी के पास चले जाओ, उनके वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पे जॉब ओपनिंग्स तो रहेगा, तो जॉब है उनके पास, लेकिन अभी उनको जॉब में एग्जैक्टली स्टूडेंट से चाहिए क्या। तो अभी मान लो उनको अगर चाहिए कि आपको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए, तो अगर आपकी वो ड्रीम कंपनी है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको भी मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको रिसर्च करनी है पहले, तो कि आप जहां जहां अप्लाई करना चाहते हो वहां
उनको क्या रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा कम देखा जाता है, उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा देखा जाता है। तो उस हिसाब से पहले आपको देखना है कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उधर रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब कंपनीज कैसे देखनी है, अब जैसे मान लो गेमिंग कंपनीज तो काफी है, अब उसमें से सेलेक्टिव कंपनीज कैसे देखनी है जिधर आपको लगता है कि आपका ग्रोथ अच्छा होगा। सबसे पहली चीज जो है, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो पहले देखिए कि वो कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई करते हो जिधर उतने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स नहीं है जितने आप हो, तो वहां पे आपका वो जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। और मान लो अगर आप बहुत क्रिएटिव हो और कुछ ऐसी कंपनीज है जहां प्रोजेक्ट्स ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव आते हैं, तो वो आपकी ग्रोथ को बहुत अच्छा एल्टीट्यूड देंगी, वहां से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तो इसलिए रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। आप पहले देखिए कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज कि उनके पास प्रोजेक्ट्स कैसे, कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। और अभी जो तीसरी चीज है, जो हम जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सफर करते हैं, वो है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। और फिर एक जो आपने इससे पहले पॉइंट बोल दिया था कि सॉफ्टवेयर कौन सा सीखे वाला, तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी वैसे ही काम करता है कि आप कंपनीज के हिसाब से बनाइए। बट जो सॉफ्टवेयर कहाँ से सॉफ्टवेयर सीखने के बारे में बात है, अभी यहाँ दिक्कत यह आ जाती है, इंडस्ट्री से आपको अपडेटेड होना है, ये तो फॉर श्योर है। इंडस्ट्री में जो चल रहा है आपको वो आना चाहिए, लेकिन आपको वो सही तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में 10 सॉफ्टवेयर हैं, आपने 10 सॉफ्टवेयर खोले, बंद किए, बस। तो इससे ये होगा कि ना वो आपको कुछ प्रॉफिट देगा, ना वो आपके पोर्टफोलियो में कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप कोई आधा अधूरा सॉफ्टवेयर आता है, वो आपके पोर्टफोलियो में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो या तो आप नए सॉफ्टवेयर सीख भी रहे हो तो इतना अच्छे से सीखो कि आप उनको अपने पोर्टफोलियो में डाल पाओ, और अगर आपने उतना अच्छे से नहीं सीखा तो उनको आप पोर्टफोलियो में मत डालिए। अपने पोर्टफोलियो के पीस ऐसे रखिए कि आप वो हर जगह दिखा पाए, और हर जगह दिखा पाए से मेरा ये मतलब है, सबसे पहले तो आप अगर आप आर्ट स्टेशन देखोगे, अगर आप गेम के लिए आप आर्टिस्ट हो या आप VFX के लिए आर्टिस्ट हो, अगर आप आर्ट स्टेशन में जाओगे तो आप स्क्रोल करोगे ना, तो आपको वो डिफरेंस समझेगा कि ये आर्टिस्ट का लेवल है आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया ही नहीं, अगर वहां पे इंडियन आर्टिस्ट भी कितने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है। तो आपको जितना भी फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि आपका जो आर्ट वर्क है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। बस उतना ही है मैं जितना एडवाइस दे पाऊंगा मेरे एंड से। जी बिल्कुल, काफी अच्छी एडवाइस आपने दी। और बेसिकली आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि आपको जो है इंडस्ट्री लेवल का बनाना है। आप आर्टिस्ट से जो है काफी सारे आर्टिस्ट को फॉलो करके उनका आर्टवर्क को देख सकते हो कि आपको कौन से लेवल तक पहुंचना है। और ऐसा नहीं है, डिमोटिवेट भी नहीं होना है, देख के प्रैक्टिस करो। एक ना देखो प्रैक्टिस से चीजें बेहतर होती जाती है, और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप भी वो लेवल का काम कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर सौरव जी भी, उनका जो आप आर्टिस्ट में देखोगे उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, काफी जो है अच्छे हाई लेवल कैरेक्टर वगैरह बनाए हुए, काफी मुझे काम उनका अच्छा लगा, इसीलिए आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे उनका काम ही जो है इतना अट्रैक्टिव लगा कि चलो इनसे तो इंटरव्यू बनता है, इनके लिए टाइम निकाला जाए और इनसे बात करी जाए। और सौरव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, क्योंकि टाइम निकालना मुश्किल होता है और आपने टाइम निकाला, अच्छी बात है। और आप भी मेरी तरह कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो अपनी इंडस्ट्री में, लोगों को जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। और दूसरा जो है, लोग जो है अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो कन्फ्यूज रहते हैं कि किस चीज़ का पोर्टफोलियो बनाया जाए, ठीक है। जैसे कि आपने एक चीज़ पकड़ ली, कैरेक्टर बनाना, ठीक है, तो कैरेक्टर में आपने काफ़ी बेहतर तरीके से अच्छे से उसको बना दिया। तो जैसे जब स्टूडेंट होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से आगे बढ़े, ठीक है, तो आपने कैसे फाइंड किया कि कैरेक्टर बनाने में आपकी रुचि ज्यादा है, या फिर आपको किस तरह से आइडेंटिफाई हुआ कि मैं किस में बेहतर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपका देखा जो सोरेल था उसमें आपने मोशन ग्राफिक का डाला था, और सडनली जो है आपने धीरे धीरे कैरेक्टर डेवलपमेंट में जो है और एक्सपर्टाइज करने लगे, तो वो डिफरेंस कैसे आपको पता चला कि कौन किस में आप आगे बढ़े। तो जैसे हमारा कॉलेज का जो करिकुलम रहता है, जैसे डिसाइड होता है कि फर्स्ट ईयर में बच्चे को सिखाया जाता है कि 2D क्या होता है, सेकंड ईयर में वो 2D से मोशन ग्राफिक्स का जर्नी होता है, और फिर थर्ड ईयर में उनका 3D का जर्नी होता है। तो यहाँ पे जब मेरे पास कॉलेज का टाइम था, तो फिर मैंने देखो हमारे जो रिस्क टेकिंग टाइम है वो हमारा कॉलेज का ही टाइम है। जैसे आफ्टर, अगर आपका कॉलेज का टाइम
हो जाता है, तो फिर आपके पास वो रिस्क टेक, जो रिस्क लेने का चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। आप कॉलेज के टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो, हाँ भाई मुझे 2D करना है तो आप 2D कुछ महीने ट्राई करके देख सकते हो, हाँ भाई मुझे 3D करना है तो मैं 3D ट्राई करके देख सकते हो। तो कॉलेज के टाइम पे आपके पास खोने के लिए चीजें कम है। अगर आप एक बार इंडस्ट्री में आ जाते हो तो वो स्विच करने में आपको बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि फिर वहां वो एक्सपीरियंस वाला फिर से चीजें आ जाती है। तो इसलिए जितना एक्सपेरिमेंट हो अपने साथ आप वो कॉलेज के टाइम पे ही कीजिए, कि अगर आपको 2D सीखना है तो आप 2D कीजिए ट्राई, कुछ महीने देखिए आपको 2D कैसा लग रहा है, फिर आप 3D ट्राई कीजिए, फिर मोशन ग्राफिक्स ट्राई कीजिए। अब जैसे मैंने कैरेक्टर कैरेक्टर से मैं कैरेक्टर्स में कैसा आया, तो मैं इससे पहले मैंने हार्ड सरफेस मॉडलिंग भी किया है, मैं कार वगैरह भी ट्राई किया हूँ बनाना, बट फिर मेरे को जो क्रिएटिव फ्रीडम है, मेरे को जो फ्रीडम देता है वो कैरेक्टर क्रिएशन है। तो अभी मैंने यहाँ पे मेरे सेल्फ इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट कुछ और रहेगा और आप कुछ और करोगे तो वहां पे वो चीजें क्लैश होंगी और वो चीजें कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी। तो आपको देखना है कि आपको सब ट्राई करना, और आपको ये देखना है कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट किस चीज में आप ज्यादा अपने आप को डिवोट कर सकते हो, तो उससे फिर आपका वहां से एक अलग ही जर्नी शुरू हो जाएगी, फिर आप वहां से थोड़े ज्यादा फोकस भी हो जाओगे उस चीज को लेके। अगर आपका इंटरेस्ट ही कुछ और होगा और आप दूसरी जगह कोशिश करोगे घुसने की, तो फिर वहां पे आपको वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा, वहां पे आप इतना फोकस नहीं हो पाओगे अपने काम को लेकर। जी बिल्कुल सही बात है। और सौरभ जी पुणे से है और वहां से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम का अभी एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? क्योंकि प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम जब अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं तो इजी रहता है कम्युनिकेशन करना, बट जब वर्क फ्रॉम होम रहता है तो कम्युनिकेशन कैसा रहता है, टास्क कैसे मिलता है, थोड़ा उसके बारे में अगर पता चलता है स्टूडेंट को तो बेहतर रहता है, क्योंकि आगे जाके हो सकता है आगे भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़े, क्योंकि बाहर के जो स्टूडियो है वहां पर ऑनलाइन ही सब चलता है, तो वहां से ऑनलाइन एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें और हमें खुद से समझ कर क्रिएट करनी होती है, थोड़ा वो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बताइए सौरभ जी। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? तो वर्क फ्रॉम होम में कुछ चीजें है अच्छी है, कुछ चीजें है नेगेटिव है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हैं उनको। जो मैं पहले आपको प्लस चीजें बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक तो आपके घर से काम करना है, तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ऑफिस जाना है, सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी आना है, जैसे कैसे आना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता है, और दूसरा आपको थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है कि आपको कब ब्रेक्स लेने हैं, वहां पे आप ब्रेक ले सकते हो। हाँ आपको टास्क करना है लेकिन आप ब्रेक्स ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। बट नेगेटिव चीज ये है कि वर्क फ्रॉम होम में अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वर्क फ्रॉम होम में टाइम स्ट्रेच बहुत होता है, तो वो एक चीज है जो मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आया कि वहां पे टाइम स्ट्रेच बहुत होता है। बट हाँ मेरे को फ्रीडम मिल रहा है, मेरे को थोड़ा मेरा रेस्ट करने का भी टाइम मिल रहा है, तो मैं छोटे छोटे ब्रेक्स लेता हूँ कभी कभी, बिकॉज अगर मैं कंटिन्यूअस काम करता रहूँ तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है मेरे लिए भी। एंड वर्क फ्रॉम होम में मुझे टास्क कैसे असाइन होता है, अब यहाँ पे अभी कनेक्टिविटी थोड़ी कम है, बिकॉज अगर सब साथ में रहे तो आसानी से मैसेजेस चले जाते हैं एक दूसरे को। तो अभी हम लोग का कैसा होता है कि हमारी एक सुबह मॉर्निंग मीटिंग होती है, मॉर्निंग मीटिंग में सबको टास्क असाइन होता है डेली का, फिर सब बाय द एंड ऑफ द डे सबको अपना अपना टास्क शो करना होता है और सबको अपने अपने स्टेजेस शेयर करने होते हैं कि स्टेज पे टास्क है। तो यही है सिनेरियो वर्क फ्रॉम होम का अभी तक। तो जी बिल्कुल, नेक्स्ट आपका यूट्यूब पे क्या टॉपिक आने वाला है, कौन सा नया वीडियो आने वाला है, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताते तो यहाँ पे लोगों को जो आपकी यूट्यूब चैनल के बारे में भी हम शेयर करेंगे आगे। तो जो अभी मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं बात करने वाला हूँ, हाउ टू बिकम अ डेसिमेशन मास्टर। तो इसमें मैं ये कवर करने वाला हूँ कि डेसिमेशन क्या है एंड उसके यूजेस क्या है एंड वो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। अगर मैं आपको क्विक इंट्रो देना चाहूँ तो डेसिमेशन और रीटोपो में बहुत थिन लाइन है, क्योंकि डेसिमेशन भी ऑलमोस्ट सेम काम करता है जो रीटोपो करता है, वो आपके मैश को रिड्यूस कर देता है ताकि आपका मैश ऑप्टिमाइज बन पाए। एंड ये प्री कैलकुलेटेड प्रोसेस रहता है, तो इसमें आपको आपके एंड से कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको आपके एंड से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे आपको रीटोपो में करने की जरूरत पड़ती है। तो ये थोड़ा एक क्विक वे है कि आप अपना मैश रिड्यूस कर पाए, बट फिर यही है कि इसमें आपको कंट्रोल ज्योमेट्री नहीं मिलती है जैसे ही आपको रीटोको में मिलती है। जी बिल्कुल, तो सौरभ जी इंडस्ट्री में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उनको जो है पता है क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है, और यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जरूर इनका यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, फॉलो कीजिए और इनसे काफी कुछ सीखने को है।
इसी वजह से आज हमने इनका टाइम निकाला है कि हम इनसे जो है काफी कुछ सीख पाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सौरव जी ने काफी अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन करी सारी चीजें, तो आपका सौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के इंटरव्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू, बाय सौरव जी।